नमस्कार दोस्तों, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस लाइफ साइंसेस ने जो है वैक्सीन तैयार की है, और ये जो वैक्सीन है इसके ट्रायल से कब शुरू करने वाले हैं इसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों, रिलायंस लाइफ साइंसेस ने जो रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट तैयार की है ये कब तक मार्केट में अवेलेबल होगी और इसकी कीमत कितनी रहेगी इसके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ रिलायंस लाइफ साइंसेस ने मॉलिकुलर ट्रांसपोर्ट मीडियम बनाया है, तो ये जो स्वैब रहते हैं कोरोना वायरस के सैंपल्स लिए जाते हैं इसमें कैसे उपयोगी है इसके बारे में भी बात करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत मोरे हेल्थ टिप चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, रिलायंस लाइफ साइंसेज जो है ये वैक्सीन की जो रेस चल रही है इसमें शामिल हो गई है। रिलायंस लाइफ साइंसेज की जो है वैक्सीन, ये अभी इसके प्री क्लिनिकल स्टडीज शुरू होंगे, ICMR से इसको परमिशन मिली है। ये जो वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, और इस वैक्सीन के जो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ है इस महीने शुरू होंगे। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में जो वैक्सीन है इसकी जानवरों पर स्टडी करते हैं, और इसके बाद दोस्तों ये जो वैक्सीन है बाद में इसके फिर जो ह्यूमन ट्रायल शुरू होंगे। दोस्तों, जो रिलायंस है इसका काफ़ी एम्बिशियस प्लान है बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाने का, और वो जो अपनी सब्सिडरीज है रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल इसका भी नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैक्सीन का उसमें वो रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का जो नेटवर्क है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जो रिलायंस की रैपिड आरटीपीसीआर किट है ये जो है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। दोस्तों, ये जो किट है ये 2 घंटे में रिजल्ट देती है, रैपिड रिजल्ट मिलता है, इसकी वजह से जो 1 या 2 दिन राह देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट है इसकी कीमत कितनी रहेगी, तो दोस्तों इसकी कीमत 500 से 700 के रुपए के बीच में रहेगी ऐसे बताया जा रहा है। और दोस्तों, ये रैपिड आरटीपीसीआर किट जो है इस साल के अंत तक मार्केट में अवेलेबल होगी। दोस्तों, रिलायंस लाइफ साइंसेस ने जो है मॉलिकुलर ट्रांसपोर्ट मीडियम तैयार किया है। दोस्तों, ये जो मॉलिकुलर ट्रांसपोर्ट मीडियम है ये जो स्वैब्स लिए जाते हैं कोरोना पेशेंट से, ये स्वैब इस मीडियम में रखे जाएंगे और ये जो वायरस है इसको न्यूट्रलाइज करेगी। इसकी वजह से जो वायरस है इसका ट्रांसपोर्ट और इसकी प्रोसेसिंग आसान होगी, क्योंकि ये जो मीडियम है जो वायरस का आरएनए है उसको स्टेबलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है। दोस्तों, जो पहले ट्रांसफ़र किए जाते हैं स्वैब, ये जो है कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है, -2 to -8 डिग्री सेंटीग्रेड में इनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसकी वजह से इसमें दिक्कत रहती है क्योंकि वायरस ये जो अलाइव रहता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये जो MTM तैयार किया है मॉलिकुलर ट्रांसपोर्ट मीडियम रिलायंस ने, इसको अभी परमिशन मिली है और इसका वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। दोस्तों, रिलायंस कंपनी है ये अभी वैक्सीन की रेस में शामिल हुई है, इसके प्री क्लिनिकल स्टडीज़ अभी इस महीने में शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये स्वदेशी वैक्सीन है, और इसके फेज 3 ट्रायल जो है इस महीने में शुरू होने वाले हैं गोरखपुर और लखनऊ, यहाँ ये 25 से 30 हज़ार लोगों पर किए जाएंगे। इसके अलावा जो जायडस कैडिला की वैक्सीन है जायकोडी, इसके भी फेज 3 ट्रायल जल्द शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया पुणे है जो वैक्सीन बन रही है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, इसके ट्रायल्स ऑलरेडी शुरू है, इसके फेज 3 ट्रायल्स मुंबई में, चंडीगढ़ में और पुणे में शुरू है। दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने जो है स्पुटनिक वी वैक्सीन के जो फेज 3 ट्रायल शुरू करने के लिए परमिशन मांगी थी, तो DCGI ने एप्लीकेशन रिव्यू किया। तो DCGI ने पहले कम लोगों पर इसके ट्रायल्स करने के लिए कहा है, पहले इसके फेज 2 ट्रायल्स करने के लिए कहा है, और कंबाइन फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स का जो एप्लीकेशन है ये रिसबमिट करने के लिए कहा है। दोस्तों, आपका कोई सुझाव है या सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। शुक्रिया। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।